लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ रियल नंबर्स। हम आज करेंगे फैक्टर ट्री टाइप क्वेश्चंस एंड एचसीएफ एंड एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, अब इसमें ए बी एक्स वाई एम एन कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, मैंने यहाँ वेरिएबल्स नहीं लिखे हैं। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करें, अपने आप सॉल्व करें एंड देन चेक योर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि 3 5 15 कैरी 1, 3 7 21 22, 2 12 3 36 38, 3 8 2 5। क्लियर। और हमारा एक बस लास्ट में मिसिंग है, तो ये क्या होगा, 85 के फैक्टर से, तो 85 का एक फैक्टर 5 गिवन है, तो 85 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा, 17 5 85। तो ये आ गया। यदि ऊपर वाला नंबर मिसिंग है तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके आएगा, एक ऊपर वाला गिवन है एक नीचे वाला गिवन है, तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करके सेकेंड आएगा। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आपका कहीं भी नहीं लगेगा, ऐसी ही कंडीशंस होगी। ये 5 और 1001 मल्टीप्लाई दें, आंसर क्या आ गया, 5005। यहाँ पर 143 एंड 11, 143 डिवाइडेड बाय 11, 11 वन ज़ा 11 बचा 3, 11 थ्री ज़ा 33, तो 13 एंड 11 आ गए। इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, 19 है, तो हम 437 को 19 से डिवाइड कर दें तो 19 टू ज़ा 38 बचेगा 5, 57, 19 थ्री ज़ा 57, आंसर क्या आ गया, 23। बट आप ये याद रखो, बड़े प्राइम नंबर्स भी कई क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, जैसे ये आपको, हाँ अभी देखो 1176 का प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने यदि 1176 का फर्स्ट फैक्टर 7 लिया तो हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो वी विल गेट 168। फिर 168 का फैक्टर हमने इवन नंबर से 2 ले लिया तो इधर आ गया 84, 84 का फिर 3 ले लिया तो 28, 28 इज 7 फोरजा, तो 28 इज 7, एक साइड प्राइम नंबर एक साइड कंपोजिट नंबर। जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका क्या आएगा, एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट, टिल कब तक करते जाएंगे, जब तक एंड में दोनों प्राइम नंबर्स ना बचे, लास्ट फैक्टर्स शुड बी प्राइम नंबर्स ओनली। तो 1176 का एक प्राइम नंबर यदि आपने 7 लिया तो कंपोजिट आया 168, 168 का आपने प्राइम नंबर 2 लिया तो 84 कंपोजिट, 3 लिया तो 28 कंपोजिट, 7 लिया 4 कंपोजिट, 4 इज 22, 22 आर प्राइम नंबर। हाँ अच्छा, ये हमने क्या किया, हमने बड़ा प्राइम नंबर ले लिया 7 से डिवाइड किया, बट हम छोटी क्लासेस में क्या सीखते थे कि हम सबसे पहले छोटे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज़ 2, फिर 3, फिर 5, जिससे भी डिविजिबल हो रहा है लाइक दैट यदि हम करते। तो अब देखो, इन्होंने इसको पहले 3 से कर दिया कि 6 + 7 7 7 14 15, सम इज़ 15 सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3, एंड दिस इज एन इवन नंबर सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो यदि हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, 392 आ गया, दिस इज़ प्राइम दिस इज़ कंपोजिट। अब 392 को 7 से कर दिया, 56 प्राइम कंपोजिट प्राइम कंपोजिट। फाइनली यदि आप इसके फैक्टर्स देखें तो क्या आएगा, 7 दो बार आ रहा है, 2 इन दो काउंट होंगे, ये लास्ट है 1 2 एंड 3, 2 इज़ कमिंग 3 टाइम्स एंड 3 इज़ कमिंग 1 टाइम। इसको मैं और उसके प्राइम फैक्टर्स देखूं तो यहाँ भी मेरा क्या आ रहा है, 3 एक बार, 7 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 7 इज़ अगेन कमिंग 2 टाइम्स, 1 2 3 एंड देर आर 3 टूज, ये आया। और हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें प्राइम फैक्टर्स की, तो वी कैन राइट बोथ ऑफ दिस एज 2³ × 3 × 7² दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1176। वॉट डज दिस इम्प्लाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स ऑकर। तो आप इसको 2 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, 2 3 7 कई कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बट फाइनली प्राइम फैक्टराइजेशन यही आएगा, ये बात याद रखना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला नंबर है एक नीचे वाला है, नीचे वाला मिसिंग, तो हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने 55 नंबर है 55 6920 डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 बचेगा 115, 2 7 ज़ा 14, 1 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 एंड 0, तो दिस इज़ 2 7 8 4 6 0 एक तरीका।
अच्छा दूसरा तरीका भी हो सकता था इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर्स दिए थे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो भी यही आता। देखो 32 ज़ा 60, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, कैरी 1, 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप ऐसे डिवाइड करके भी ला सकते हो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो, वॉट एवर यू फाइंड ईजियर। यहाँ पर अगेन सेम कंसेप्ट अप्लाइज, आइदर यू मल्टीप्लाई दिस और यू डिवाइड दिस बाई 2, वॉट एवर यू प्रेफर। सपोज यू प्रेफर मल्टीप्लीकेशन, तो 3 5 ज़ा 15, 0 है, 0 की जगह 1 आ गया। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 6 9 6 1 5 आ गया। हाँ, और देखो कभी भी जैसे पापा हमने ये किया है, आप चाहें तो एक बार इधर डिवाइड करके देख लें या इसको मल्टीप्लाई करके देख लें कि 15 2 ज़ा 30, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 और 1 13। वहीं की वहीं चेक कर लो, बड़े नंबर्स में हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, या तो बहुत सावधानी से लिख करके करो। पर यदि हो गई तो अभी के अभी पता चल जाता, नहीं आए आंसर सेम आ गया मीन्स करेक्ट है, है ना। तो दोनों मतलब वही मैंने आपको कल भी बताया था, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करके देख लो, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करके देख लो। रिवर्स ऑपरेशन ऑलवेज सिंप्लीफाइज योर कैलकुलेशंस। 13 है और 221 है, तो 13 1 ज़ा 13 बचेगा 8, 7 7 71। क्या कर रही हूँ मैं, 221 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 ज़ा 13, 9 बचेगा 91, क्योंकि 71 तो आता ही नहीं ना, 13 7 ज़ा 91, तो आंसर क्या आ गया 17, 71 नहीं आता 13 के टेबल में ना, तो मुझे क्लिक कर गया कि मैंने गलती कर दी, राइट। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, ओके ये, ओके यहाँ पर 13 3 ज़ा 39, मैंने कम मिस किए। आपको सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से ट्री बनाना आना चाहिए, एंड यू विल नो दैट ये एक शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं एक प्राइम नंबर आएगा, एक कंपोजिट आएगा, टिल लास्ट में दोनों प्राइम नंबर ना आ जाए। 13 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स। यहाँ पर 35 है, यहाँ 7 है, तो 7 5 ज़ा 35, 72 ज़ा 140, सी है ना, ये कंसेप्ट याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 and 963, जो 615 और 963 को डिवाइड करता है, लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जिससे इन दोनों को डिवाइड करें तो इसमें भी रिमाइंडर 6 बच जाए और उसमें भी रिमाइंडर 6 बच जाए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचना चाहिए उसको माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हमने इसमें से भी 6 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से भी 6 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो गया 609, और ये क्या हो गया 957, क्लियर। तो अब ये जो नंबर है ये उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, जो रिमाइंडर गिवन है वो हमने उनमें से माइनस कर दिया, तो अब जो नंबर बचे दैट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल किससे, लार्जेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करे। तो लार्जेस्ट नंबर मतलब जो इन दोनों को डिवाइड करे मतलब वो इन दोनों का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या होता है, एच सी एफ। मीन्स अब हमको क्या निकालना है इन दोनों नंबर्स का, एच सी एफ। तो आपको एच सी एफ निकालना आता है, हाँ, तो हम इनका आप क्या निकाल लेंगे, एच सी एफ। तो 609 नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, चॉइस आपकी है। आपने 609 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब 3 से नहीं जाता, 203, 203, 3 और 2 5, 11 से भी नहीं जाता, 7 से जाता है, 7 2 ज़ा 14 बचेगा 6 7 9 ज़ा 63, और ये आ गया 29, 29 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। अब 957 के फैक्टर्स देखें, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। अब ऑब्वियसली इनमें से कोई ना कोई एक प्राइम नंबर रिपीट हो रहा होगा, तो 7 से करके देखें नहीं जाता, 29 से डिविजिबल है, 29 1 ज़ा 29 बचेगा 2, 29 11 आ गया, फिर 11 और 1, हाँ। तो बड़े प्राइम नंबर्स में
थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता रहेगा क्या आ रहा है। तो इसके प्राइम नंबर्स ही आए, तो कॉमन क्या है 29 और 3, इसमें भी 29 एंड 3, तो HCF क्या हो गया 29 3 87। आप 87 से 615 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 6 बचेगा। 963 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 6 बचेगा, क्योंकि 957 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। कितने टाइम डिवाइड होगा 11 टाइम्स, और ये कितने टाइम डिवाइड होगा 7 टाइम्स 609, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा यदि 615 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी 6। तो जिसका जो रिमाइंडर दिया है वो उस नंबर में से माइनस कर देंगे। अब जैसे बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो हम 285 में से क्या माइनस करेंगे 9, और 1249 में से क्या माइनस करेंगे 7। जिसका जो रिमाइंडर है वो उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका क्या आ गया 85 में से 9 गए 6 7 276। मैंने माइनस किया, ऐड कर लिया 9 6 15 कैरी 1 7 प्लस 1 8 है ना। 49 में से 7 गए तो क्या हो गया 1249 माइनस 72। अब हमें इन दोनों नंबर्स का अगेन क्या चाहिए HCF, यू नीड टू कैलकुलेट HCF। क्वेश्चन पे ध्यान रहना, हाँ, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, जो इनको डिवाइड कर रहा है, हाँ, जिससे ये जिसको डिवाइड करें पूछ लें कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर्स, तो LCM आता है। हमने इसके क्वेश्चन पहले किए, जब ऐसा बोला हो कि जिनको ये नंबर डिवाइड कर रहा हो तो LCM निकलेगा, और जब भी रिमाइंडर रिमाइंडर की बात की हो तो HCF निकलेगा, याद रखना। तो अब 276 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 138, तो ये हो गया 2, 138 को फिर 2 से करेंगे 2 6 12 बचेगा 18 2 9 18, तो 2 और ये हो गया 69, मतलब 13 एक सेकेंड 2 2 3 2 6 3 3 9 23 3, तो 2 2 3 23 3, 1 2 4 2, 2 से करेंगे 621, 2 से करा 621, 3 से जा रहा है 3 2 6 3 7 21। क्या गलती होगी यदि ये कर दिया तो 0 आएगा, 2 डिवाइड नहीं होता 0 आएगा। 2 7 9, 3 से डिविजिबल अगेन 3 6 18 3 9 27, लिख के कर लूँ मैं ऐसे जल्दबाजी में, मतलब शॉर्टकट्स में क्या होता है गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। 2 6 2 2 2 1 3 3 2 0 3 7 21, फिर से 9 है तो फिर 9 से जाता है पर 9 प्राइम नंबर नहीं है। 3 6 18 3 9 27, 3 2 6 3 3 9 23 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में आपका क्या आया 2 है, 3 का क्यूब है और 23 है, और ऊपर वाले में क्या था 2 दोनों के पास है 3 क्यूब और 3, तो 2 आ गया एक 3 आ गया एंड 23 इज़ कॉमन 23 6 3 18 कैरी 1 6 2 12 और 1 13 138। 138 से हम 285 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 बच जाएगा। 138 2 जा 276 होता है, 138 का डबल करोगे 276 एग्जैक्टली डिविजिबल, 285 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 9 बच जाएगा। 1242 138 से कितने टाइम जाएगा, अब आप इसको ऐसे देख सकते हो कौन से फैक्टर्स आ गए, 2 आ गया 3 आ गया और 23 आ गया 9 टाइम्स, तो 138 9 जा विल बी 1242, इसको माइनस करो रिमाइंडर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो था वो बच जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 280 एंड 1245 लीविंग रिमाइंडर्स 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें से 4 माइनस होगा, इसमें से 3 माइनस हो गया, ये हो गया 1242, ये हो गया 276। तो 276 और 1242 HCF हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसकी बजाय हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमने 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 138 2 6 12 621। तो अब ये 2 से तो अब जाएगा नहीं, 2 तो आएगा नहीं, अब यदि हम 3 से करें ये 3 से डिविजिबल है, इनफैक्ट ये 9 से डिविजिबल है, मुझे एक्चुअली अभी MCQ के लिए करना है, नहीं ये 9 से ये वाला है ये नहीं है, तो 3 से जाएगा। यदि 9 से डिवाइड हो रहा तो 9 से कर लो, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
फिर गलती की ज़ीरो लगाना है। हाँ, जानबूझ के कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि यहाँ एक ज़ीरो लगाना ज़रूरी है। अब किससे जाएगा? अब ये तो 23 टूज़ा है और अभी हमने 207 को थोड़ी देर पहले 23 से डिवाइड किया था। आई थिंक 23 का फैक्टर है 23 9 9 3 27 बचेगा, 2 9 2 18 और 2 20, 23 9 207 है। तो यहाँ 23 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये 9 आ गया, तो आपका ये HCF आ चुका है क्योंकि 2 और 9 अब क्या है, को प्राइम, दे डोंट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से कोई नंबर आ नहीं सकता। LCM निकालना होता तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके इससे मल्टीप्लाई कर देते। HCF तो 23 6 जो अभी पहले आया था 138 ही आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर? मेरे को लग रहा है मैंने पहले वाला ही क्वेश्चन दोबारा कर दिया क्या, सेम आ गया आंसर। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 626 3? तीन नंबर दे दिए एंड लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, तो इसमें से 1 माइनस, इसमें से 2, इसमें से 3, तो क्या आ गया, ये हो गया 625 625। तो याद आ गया क्या है, 5 की पावर 4, 25 का स्क्वायर तो 5 की पावर 4, इसमें से 2 माइनस किया ये 3125, 3125 तो 5 की पावर 5 होता है, इसमें से भी 3 माइनस किया है, सॉरी मैंने लिख दिया 5 जैसा, 15625, आई थिंक दिस इज 5 की पावर 6, तो 15625 इज 5 की पावर 6। क्यों मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 25 5 125 बचेगा 1, 5 5 5 और 6, 5 3 15, परफेक्ट। ये 5 की पावर 4, ये 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, तो इनका HCF क्या आएगा, इनका HCF यही आ जाएगा, एक एक पावर बढ़ती जा रही है तो HCF आ जाएगा 625। आप 626 को 625 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, 3127 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा, उसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 बच जाएगा। क्लियर है? तो एकदम ईजी कंसेप्ट है बेटा, एक साथ इसीलिए सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम बहुत सारे, ताकि आपको ये बात याद रहे जो हम आज कर रहे हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली रिमाइंडर्स को, जिस भी नंबर का जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और बाकी नंबर्स का HCF ले लीजिए। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर 4 5 6। नंबर पढ़ने पे ध्यान मत दो कि नंबर क्या लिखा है कि 400 45 572, कोई मतलब नहीं है, हमको क्या करना है इनका लिविंग रिमाइंडर, तो हम सीधे इसमें से माइनस कर दें 4 5 एंड 6, क्या बचा वो निकालो। हाँ, तो ये 445 में से 4 गया, क्या बचा 441 21 का स्क्वायर, 572 में से 5 गए 567, इसमें से 6 गए 693, तो नंबर्स हो गए 693 567, ये 21 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो 3 और 7 का स्क्वायर। तो अब देखो ये 18 3 से 9 से डिविजिबल है, 567 9 से डिविजिबल 18 है ना सम, तो मैं 9 से डिवाइड करूँ, 9 6 जा 54 बचेगा 2, 27 9 3 जा 27, फिर 9 7 जा 63 और 7 आ गया, मतलब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, ये 2 9 है मतलब 3 की पावर 4 इंटू 7 693, 9 से डिविजिबल है 9 7 जा 63 1171, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसके फैक्टर्स हो गए 693 के 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, तो HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 स्क्वायर सबके पास है, 7 स्क्वायर है उधर, यहाँ 7 है 11 किसी के पास नहीं है, 9 7 जा 63, तो इनका HCF आ गया आपका 63। तो 63 से इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो बोला था वो रिमाइंडर्स बचेंगे, क्योंकि जो माइनस करके आए वो नंबर 63 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 दिस एंड दिस बाय 9 एंड 5, तो -9 -5, ये क्या बचा 2002, और ये क्या हो गया 2618, 2002 2618 का HCF निकालना है, दोनों का साथ में निकाल लो, 2 से डिवाइड किया ये आ गया 1001, अभी हमने 1001 का किया था, ये आ गया
09, यहाँ बहुत कॉमन मिस्टेक होती है बेटा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 13 क्या 18 है, 29 18, ये भूल जाते हैं, पहले 1 डिवाइड करना था, 1 नहीं हुआ, तो यू नीड टू पुट अ 0 इन बिटवीन। हाँ, ये मिस्टेक मत करना, 1309 आ गया। अब ये तो 11 से डिविजिबल है, ये है क्या, हाँ ये भी 11 से डिविजिबल है, 11 से डिवाइड कर दो, तो ये तो 91 आता है, 11 नाइन ज़ा 11 वन ज़ा 11 वन ज़ा 11 बचेगा 2, तो 11 वन ज़ा 11 9 99 119, तो ये तो होता है 13 से वन ज़ा 91, ये 7 से हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करें, यहाँ 13 आ गया, तो बस ये दोनों छोड़ दो, ये तो को प्राइम हो गए, तो एच सी एफ क्या हुआ, 11 2 ज़ा 22 22 7 ज़ा 154, तो इन दोनों नंबर का एच सी एफ आ गया 154। तो 154 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर जो 2011 और 2623 को डिवाइड करने पे, इसमें रिमाइंडर 9 बचेगा, उसमें रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको फैक्टर्स वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम में जैसे मैंने बहुत सारी आपको पहले भी करवा दी है, कुछ जो डिफरेंट मुझे मिली वो भी मैं करवा रही हूँ। क्या बोल रहा है कि 15 पेस्ट्रीज एंड 12 बिस्किट पैकेट्स हैव बीन डोनेटेड फॉर ए स्कूल फेट। किसी भी चीज़ के लिए दे दें, कहानी में आपको बोल दें बाढ़ आ गई, बादल फट गए, आजकल हो जाता है ना उत्तराखंड में बादल फटे बह गए, लोग तो डोनेशन करते हैं लोग, तो या गवर्नमेंट अरेंज करती है, कोविड के टाइम पे, अभी कोविड के भी बन सकते हैं कि मजदूरों को बांटने के लिए लोगों ने पैकेट्स बनाए काइंड ऑफ, तो कुछ भी कहानी हो बात क्या, और ये 15 पेस्ट्री और 12 बिस्किट के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दीज आर टू बी पैक्ड इन सेवरल स्मॉलर आइडेंटिकल बॉक्सेस विथ सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड बिस्किट पैकेट्स इन ईच। हमको सेम नंबर होना चाहिए, जितनी पेस्ट्री उतने ही बिस्किट, है ना, और हाउ मेनी बिस्किट पैकेट्स एंड हाउ मेनी पेस्ट्रीज विल ईच बॉक्स कंटेन, मतलब मिक्स नहीं करना है, यू नीड टू पैक अलग अलग बॉक्सेस में पेस्ट्री, अलग अलग बॉक्सेस में बिस्किट, पर ऐसा नहीं कि एक 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 पैक कर दी, मैक्सिमम पॉसिबल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवरल आइडेंटिकल बॉक्सेस विद सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड बिस्किट पैकेट इन ईच, हाउ मेनी बिस्किट विल एंड हाउ मेनी पेस्ट्रीज विल ईच बॉक्स कंटेन, तो कितनी आएगी, तो हम एक एक नहीं पैक करेंगे, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर जितना कॉमन है वो हम एक बॉक्स में पैक करें, नहीं तो 1111 पैक करोगे तो बहुत सारे बॉक्सेस लग जाएंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे इन नंबर्स का क्या निकालेंगे, जब छोटा नंबर निकलेगा तो आंसर हमेशा एच सी एफ होता है, बड़ा नंबर निकालोगे तो उतनी तो पेस्ट्री नहीं है। देखो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, आइदर यू विल कैलकुलेट एच सी एफ और यू विल कैलकुलेट एल सी एम, एंड यू नो वेरी वेल दैट एच सी एफ इज़ अ स्मॉलर नंबर, या तो दोनों में से एक नंबर हो सकता है या उनसे छोटा हो सकता है, एल सी एम या तो दोनों से बड़ा होगा या जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल हो सकता है, यदि दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो, है ना, तो यदि हम इनका एल सी एम लेंगे तो एल सी एम ऑब्वियसली 15 और 12 का क्या आएगा, 60, तो 60 तो ना पेस्ट्री है ना बिस्किट है, तो एल सी एम तो हो ही नहीं सकता, तो वॉट यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू कैलकुलेट एच सी एफ, और 15 और 12 का एच सी एफ तो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, 3 5 ज़ा 15 3 4 ज़ा 12, तो एच सी एफ क्या आ गया 3, तो हम एक बॉक्स में 3 पेस्ट्री रखेंगे, एक बॉक्स में 3 बिस्किट रखेंगे, पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिस्किट के कितने पैकेट बने और पेस्ट्रीज के कितने पैकेट बने, तो हम 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे आंसर 4, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे आंसर, सॉरी 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5। मेरे दिमाग में क्या कई बार बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, तो वो पहले आ गई, जब तक मैं वो लिखती 15 का ये 5 आ गया ये 4 आ गया, 15 क्या थी पेस्ट्रीज, तो 5 बॉक्स हो गए पेस्ट्री के और 4 बॉक्स हो गए बिस्किट्स के, और टोटल बॉक्सेस पूछ लिए तो 5 + 4 9 बॉक्सेस, आपको पूछ लिया हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू बी परचेस, तो आंसर आएगा 9 बॉक्सेस, ठीक है, विथ कैपेसिटी ऑफ 3 ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा मज़ेदार केस है, 105 गोट्स बकरियाँ, 140 डोंकीज गधे, हाँ, और 175 काउज गाय, इन सबको क्या करना है, हैव टू बी टेकन अक्रॉस अ रिवर। आपने शायद बचपन में सुना हो इस तरह की पजल्स पेरेंट्स पूछते थे कि इतने सारे हैं और अब क्या करना है, इनको नदी के इस पार से उस पार ले जाना है, अब देयर इज़ ओनली वन बोट विच विल हैव टू मेक मेनी ट्रिप्स, अब इतने सारे ले जाने हैं 100 200 300
380-420 एनिमल्स हो गए टोटल, 420 एनिमल्स। इतने एनिमल्स को यदि नदी क्रॉस करानी है तो ऑब्वियसली एक ही बोट है तो उसको बहुत सारे चक्कर लगाना पड़ेंगे, टू एंड फ्रो। तो वो बोल रहा है ट्रिप्स लगानी पड़ेगी। द लेजी बोटमैन हैज़ हिज ओन कंडीशंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग देम। जो बोटमैन है तो आलसी पर बहुत वो है, मतलब उसका मूड है कि भाई मैं तो यही करूँगा, आपको चलना है तो चलो। उसकी शर्त है, उसकी शर्त क्या है, ही इंसिस्ट दैट ही विल टेक द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन एवरी ट्रिप। हर ट्रिप में सेम नंबर ऑफ एनिमल, इक्वल एनिमल्स। 10 ले गया तो हर बार 10 ले जाएगा, 5 ले गया तो हर बार 5 ले जाएगा। एंड दे हैव टू बी ऑफ द सेम काइंड। ऐसा नहीं है कि आपने घोड़े गधे गाय संग में भर दी। वो कह रहा है मैं बकरियाँ ले जाऊँगा तो बकरियाँ ही लेके जाऊँगा, गधे ले जाऊँगा तो गधे ही, गाय ले जाऊँगा तो गाय, पर मिक्स करके नहीं ले जाऊँगा। और ये भी नहीं है कि आप कितने भी भर दो, सबका नंबर हर बार उतना ही होना चाहिए। एनिमल कोई सा भी हो, सेम टाइप का हो और इक्वल नंबर हो। ही विल नेचुरली लाइक टू टेक द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ईच टाइम। और आपको उन्होंने पहले ही बोल दिया था लेजी बोटमैन, तो ऑब्वियसली वो 420 चक्कर तो नहीं लगाएगा कि एक एक बार कि हाँ भाई तुम एक एक हर बार में सेम नंबर ले जाओगे तो एक बार एक बकरी ले जाओ, दूसरी बार दूसरी ले जाओ, एक 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 करके ले जाओ, एक बकरी एक गाय एक घोड़ा, घोड़ा नहीं गधा, ठीक। तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या बताना है, कैन यू टेल हाउ मेनी एनिमल्स वेंट इन ईच ट्रिप, हर ट्रिप में कितने एनिमल्स जाएंगे, तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन द ऑप्शंस आर टू, HCF और LCM। ऑब्वियसली यू नो दैट LCM विल बी अ बिगर नंबर, तो उतने एनिमल्स ही नहीं हैं तो उतने कैसे ले जा सकता है, तो HCF ही निकलेगा। बिगेस्ट नंबर जब भी निकालना है तो मतलब बिगेस्ट पॉसिबल नंबर जो यहाँ पर जिनको एक साथ वो एक बार में ले जा सकता है, मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF निकालना है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। देखो अब हमको, हम इन सबको एक साथ लिख करके बचपन की तरह छोटी क्लासेस में जैसा आप करते थे आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड कर दिया 21, फिर 5 टू ज़ा 5, 8 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 5, 5 ज़ा 25। अभी क्या दिख रहा है, सारे नंबर 7 के मल्टीपल है, 7 टेन से डिवाइड कर दें, 7, 3 ज़ा 7, 4 ज़ा 7, 5 ज़ा। अब 3, 4, 5 क्या आ गए को प्राइम नंबर्स, तो हमारा HCF क्या आ गया, 7, 5 ज़ा 35। तो एक बार में वो 35 एनिमल्स लेकर के जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कैन यू टेल हाउ मेनी एनिमल्स वेंट इन ईच ट्रिप, तो आंसर क्या आ गया, 35 एनिमल्स इन ईच ट्रिप। अब यदि आपसे पूछ लेते हाउ मेनी टोटल ट्रिप्स इज टेकिंग, कि ट्रिप हुई कितनी, तो आप देखो ये जो आखिरी में नंबर बचा है ना, इन सबको ऐड कर दो, ये 3 + 4 + 5 12 ट्रिप्स में वो सारे एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा। 12 कैसे आया, 105 इज 35 थ्री ज़ा, ये आपका 35 फोर ज़ा, ये आपका 35 फाइव ज़ा, तो इनके लिए 3 ट्रिप लगेगी। 105 को 35 से डिवाइड करोगे तो 3 ट्रिप में आपके गोट्स ट्रांसफ़र हुई, 4 ट्रिप में आपके डोंकीज ट्रांसफ़र हुए और 5 ट्रिप में आपकी काउस ट्रांसफ़र हुई। तो बेटा प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या दिया है, क्या पूछा है आपसे। इसमें 3-4 तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो क्या बना कि एक ट्रिप में कितने एनिमल, दूसरा क्या बना हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स द लेजी बोटमैन हैज़ टू टेक, तीसरा ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि काउस कितनी ट्रिप में जाएंगी, तो काउस आपकी 175 ही थी ना, हाँ तो 5 ट्रिप्स लगेंगी काउ के लिए, या डंकी का पूछ लिया तो डंकी की 4 ट्रिप लगेगी, गोट का पूछ लिया तो गोट की कितनी ट्रिप हुई, 3। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा है जल्दबाजी नहीं करना कभी भी, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो, रीड बिटवीन द लाइन्स कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कैन यू टेल हाउ मेनी एनिमल्स वेंट इन ईच ट्रिप। यदि बोला है कैन यू टेल हाउ मेनी ट्रिप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग डंकीज, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे, HCF निकाल करके नंबर ऑफ डंकीज को उस HCF से डिवाइड कर लो, और एक से ज़्यादा नंबर का HCF निकालना है तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे कि हम इसी तरह से कर दें, इसमें टाइम कम लगेगा क्योंकि आप कॉमन फैक्टर्स पर फोकस करोगे। अब बिना बात अब इसके हम 3-7 ज़ा करें कोई मतलब नहीं है, है ना, कि हम इसको 7-3 मतलब
लंबा करें, फिर थ्री से करें, फिर सेवन से करें, इसको भी टू 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 करते, इसको एक बार फाइव करते, टाइम ज़्यादा लगता, पर जो आपको अच्छा लगे। बट आई थिंक दिस इज़ बेटर व्हाइल कैलकुलेटिंग HCF ऑफ मोर देन टू नंबर्स या इवन टू नंबर्स। अब आपका ये कंसेप्ट आया, होप यू रिमेंबर, क्या बोल रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, रूम के डायमेंशंस दिए हैं, और रूम के डायमेंशंस में आपको एक बात क्या याद रखनी है कि डायमेंशंस मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में दिया होता है। तो आपको सेम यूनिट लेनी होती है तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, डोंट गो इनटू द डेसिमल्स। हाँ, डेसिमल में मत कन्वर्ट करो, आप उसको सेंटीमीटर में करो, तो छोटी यूनिट में करोगे तो नंबर्स में रहेगा, तो LCM निकालना, HCF निकालना विल बी ईजियर। डेसिमल में आएगा तो आप अपने आप परेशान होंगे, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। तो यहाँ क्या बोला है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर रिस्पेक्टिवली 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने एज इट इज़ लिख दिया, हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके नंबर्स ऐड करेंगे, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख देंगे, 800 प्लस 25 इज 825, 600 प्लस 75 कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज 675, 450 एज 450, या 5 सेंटीमीटर होता तो 405 आता, ये बात ध्यान रखना। अब ये आपके डायमेंशंस आ गए, सब किस में हो गए, ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या बोला है कि डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। देखो इस बार आई होप कि कन्फ्यूजन के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका टर्म वन अलग है, टर्म टू अलग है, टर्म ये मिक्स में जब आता था बोर्ड्स में तो कई बार बच्चे क्या कर देते थे, लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल देते थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डायगोनल आती ना क्यूबॉइड की, कि रूम में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है, क्यूबॉइड हो गया तो क्यूबॉइड की डायगोनल होती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो कैलकुलेट कर देते थे तो रॉन्ग हो जाता था। इस बार आपके पास तो ये चॉइस ऑप्शन मतलब आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि हम क्यूबॉइड की डायगोनल निकाल दें, है ना, आपके पास ऑप्शन ही क्या बचा, LCM या HCF। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ऑब्वियसली अलग अलग है, एंड यू नीड अ स्केल, आपको एक रॉड बोले, स्केल बोले, कुछ भी बोला कि एक चीज़ चाहिए जिससे हम तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेज़र कर पाएँ, मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कितने भी टाइम हम उसको कर सकते हैं। यदि आपने कभी किसी को मेज़रमेंट करते देखा हो, कोई कारपेंटर को, या जो पेंट करते हैं, या जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठेकेदार जो घर बनाते हैं, दे यूज़ अ मेज़रिंग टेप, और जब डायमेंशंस ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक टेप लिया, ये ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ से दोबारा काउंट कर लेंगे, फिर तिबारा यदि 3 टाइम्स ज़रूरत पड़ी मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, ऐड करके उसमें जितना भी डिस्टेंस है उसको ऐड कर लेंगे डबल करके, जैसे 2 बार नापा तो 2 टाइम्स कर लिया, प्लस समथिंग है तो उसको ऐड कर लिया, दिस इज़ हाउ यू दे डू। ऐसा नहीं होता कि हम बहुत बड़ा टेप लेकर के आएंगे, है ना, हम एक छोटे टेप से बड़े डायमेंशंस मेज़र कर सकते हैं, ये पता है आपको, तो क्या निकलेगा, आंसर छोटा नंबर आना चाहिए। तो याद रखो जब भी रूम के डायमेंशंस दिए हैं और उसको मेज़र करने के लिए आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, रॉड हो, स्केल हो, या जो भी दिया हो, यू नीड टू टेक इट्स HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नंबर वन। नंबर टू, ऑल डायमेंशंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर डायमेंशन, सेंटीमीटर ऑलवेज। हाँ, गलती नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों का HCF निकालना है। तो हम फिर से क्या करें, सारे नंबर को एक साथ लिख लें, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो हम इन सबको 5 से डिवाइड कर दें। फाइव वन ज़ा 5, 17, 5, 3 ज़ा 15, 5 फाइव ज़ा 25, फिर आएगा 5 वन ज़ा 5, 32, 5 6 ज़ा 5, 5 ज़ा अगेन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, 18, 33, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ आ गया 11, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 6। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं इनमें है, पर पूरे में नहीं है,
तो 25 थ्री ज़ा 75, 75 सेंटीमीटर का हम एक स्केल ले लें तो हम इन सबको एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं। लेंथ नापने के लिए आपको स्केल को कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? 6 टाइम्स। ब्रेथ, सॉरी लेंथ नहीं है, ये हाइट है, हाइट के लिए 6 टाइम्स, ब्रेथ के लिए 9 टाइम्स और लेंथ के लिए 11 टाइम्स, है ना? ये बात भी समझ में आ गई। तो दिस इज़ अ सिंपल कंसेप्ट, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। और मैंने आपको एलसीएम के क्वेश्चंस पहले करवाए थे, जब भी वो बेल बज रही है कि इतने इतने मिनट बाद बज रही है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट चेंज हो रही है, या आपका मॉर्निंग वॉक वाला क्वेश्चन कि कोई भी लोग वॉक कर रहे हैं कितनी देर बाद वापस वॉक करेंगे, सेम जगह पे आएंगे, तो उसमें हमेशा आंसर ग्रेटर नंबर आता है। तो इन ऑल दोज केसेस यू नीड टू टेक एलसीएम, ठीक। यूनिट कन्वर्शन वगैरह सब वहाँ भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ हमारा रिविज़न ऑफ रियल नंबर्स इज़ ऑल्सो ओवर। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे किसी ने भेजी नहीं, मैं तो रोज़ ही बोलती हूँ, तो रियल नंबर्स में किसी ने नहीं भेजी, पूरे नॉमिनल में ज़रूर कुछ बच्चों ने भेजा है, तो वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम ले लेंगे। थ्री सेट्स ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स, इंग्लिश हिंदी एंड मैथ्स बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज, सबकी सब टॉपिक वाइज जमा नहीं कि मैथ्स अलग, हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, मिक्स नहीं करनी, जैसे हम वो एनिमल्स को मिक्स नहीं कर रहे थे कि काउ अलग, डोंकी अलग, गोट अलग, वैसे। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज़ द सेम, वहाँ पे वो क्या बोल रहा था कि हर बार इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स लेके जाऊँगा, यहाँ बोल रहे हैं हाइट स्टैक की सेम है। तो द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज 96, हिंदी बुक्स 240 एंड मैथमेटिक्स बुक्स 336। अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस, सेम थिकनेस की होंगी तभी हम हाइट सेम रख सकते हैं उनको रखकर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, कितना नंबर ऑफ स्टैक्स, कितनी स्टैक लगेंगे इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ्स के, मतलब HCF निकाल कर डिवाइड करके हर एक का अलग अलग बताना है। जैसे वहाँ मैंने बताया था ना कि काऊ कितने राउंड में गई ट्रिप में, डंकी कितने ट्रिप में गए, वो बात पूछी है हम कि इंग्लिश के कितने स्टैक, हिंदी के कितने स्टैक और मैथमेटिक्स के कितने स्टैक, ये नहीं पूछा है कि एक स्टैक में कितनी बुक्स, ये पूछा है नंबर ऑफ स्टैक्स। तो पहले तो यही निकालना पड़ेगा HCF निकाल करके कि एक स्टैक में कितनी बुक्स। तो अब हम क्या करें, वी नीड टू अगेन कैलकुलेट HCF ऑफ दिस नंबर 96, 240 एंड 336। ये 24 फोर्सा होता है, ये 24 का ही मल्टीपल है, 336 यदि 24 से डिवाइड हो जाए 8 का देख लो, ये नहीं होगा क्यों, क्योंकि 36 अच्छा 8 में देने हो जाएगा 8 से, तो 8 थ्री जा 3 से हो रहा है, यस 3 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, तो 24 से ही हो जाना चाहिए। तो या तो आप 8 और 3 से कर लो या 24 से कर लो, 24 से किया, 24 फोर ज़ा 96, 24 टेन ज़ा 240, 24 वन ज़ा 24, बचेगा कितना 96, है ना, फिर 24 फोर ज़ा 14 आ गया, ऑल नंबर्स आर इवन डिवाइड बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 2 फाइव ज़ा 10, 2 सेवन ज़ा 14, ख़त्म, 24 टू ज़ा 48, 48 बुक्स इन ईच स्टैक। अब इंग्लिश के कितने स्टैक लगे, इंग्लिश के लगे 2, इसके हिंदी के 5, मैथ्स के 7, 7 स्टैक्स में मैथ्स की बुक, 5 स्टैक्स में हिंदी की बुक एंड 2 स्टैक्स में इंग्लिश की बुक। यदि ये पूछा था तो आपको अलग अलग देख ध्यान से देखना, मैथ्स इंग्लिश हिंदी के साथ लिखा होगा कि मैथ्स 7, इंग्लिश 2, हिंदी 5, ऑर्डर जो भी हो चेक करके आंसर टिक करना। टोटल स्टैक्स पूछे होते तो 7 प्लस 7 14 स्टैक्स, 14 स्टैक्स में सारी बुक आ गई, नंबर 2, नंबर 3, एक स्टैक में कितनी बुक, 48 बुक। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसी का आंसर निकालना है, बिना सोचे समझे कभी भी टिक ना करें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाओ, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बेटा, प्रैक्टिस करो। आपको हर तरह के क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं जो अब हमारे सिलेबस में बचा है। तो आपको क्या करना है,
आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी, जितने मैंने क्वेश्चन कराए उतने कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे चलेगा, पर जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उस तरह के सारे क्वेश्चन यदि आपने कर लिए एंड यू हैव दिस कॉन्सेप्ट, आपका रियल नंबर्स में फुल मार्क्स आएंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। यू शुड हैव दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि ये दिया है तो क्या करना है, ये दिया है तो क्या करना, एंड जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करना, तो आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, विद दिस रिविजन ऑफ रियल नंबर्स इज ओवर। See you in next class. Thank you.